देखिए ये जो बात अभी आशीष कह रहे थे वही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों ही लेवल पर देश के भीतर जो इनके सिंपथाइजर्स हैं, जो इनकी फाइनेंशियल चेन है और जिस तरह से एक्शन शुरू हो गया है, पन्नू के जो ठिकाने हैं, जो प्रॉपर्टीज है, जिस तरह से उसको कॉन्फिस्केट किया जा रहा है, और इसके साथ में जो ये जो दुनिया के अलग अलग मुल्क हैं, यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, और अहम बात आप यूं समझिए जो 5i इंटेलिजेंस नेटवर्क है जिसका हवाला देकर के कनाडा ये कह रहा है कि उसको इंटेलिजेंस मिली है कि किस तरह से इंडियन एजेंट्स का हाथ है हरदीप निज्जर की हत्या में। उसी जो ये 5i इंटेलिजेंस है शिरीन, वहां पर जो खालिस्तान के सिंपथाइजर्स बैठे हुए हैं उनके खिलाफ भारतीय एजेंसियों ने पूरी कार्रवाई का की रूपरेखा तैयार कर ली है, चाहे उनके ओवरसीज OCI कार्ड हो, चाहे उनके बैंक बैलेंस हो, उनकी प्रॉपर्टीज हो, उनकी सिंपथाइजर चेन हो, इन सबको पूरी तरह से ये आउटलाइन हो चुकी है और इन सब पर हम बहुत जल्दी ही निर्णायक कार्रवाई देखेंगे। तो ये कार्रवाई सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं रहेगी, ये पूरा 5i इंटेलिजेंस एंड जिस आधार पर कनाडा भारत के खिलाफ इंटेलिजेंस की बात कर रहा है उन तमाम सारे मुल्कों में इस कार्रवाई का दायरा होने जा रहा है। क्योंकि अब कहीं पर भी बैठकर आप कोई भी साजिश रच लीजिए उसका खात्मा तय है। आप मेरे साथ रहिएगा और इसी बीच और जानकारी इससे जुड़ी हम दे दें। देखिए कैसे ये खात्मा काल जो कि खालिस्तानियों का शुरू होने जा रहा है, जरूरी बातें आपको बताते हैं इसके जरिए, इस बड़ी स्क्रीन के जरिए, क्योंकि एनआईए जांच में खुलासा देखिए, क्राइम सिंडिकेट से करोड़ों रुपए की उगाही का खुलासा हुआ, टेरर एक्टिविटी में लगा रहे हैं ये उगाही से जुटाई गई रकम, कमाई का बड़ा सोर्स अवैध शराब और एक्सटॉर्शन है। एनआईए का एक्शन, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर शिकंजा, आप जानते हैं किस तरीके से कार्रवाई लगातार खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत के खिलाफ हो रही है। पंजाब और चंडीगढ़ में आतंकी पन्नू की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें जब्त करने का काम भी लगातार यहां पर किया जा रहा है। अमृतसर के गांव खानकोट में पन्नू की एक प्रॉपर्टी को जब्त किया गया, अमृतसर के गांव खानकोट में थी। चंडीगढ़ की बात करें तो सेक्टर 15C में पन्नू का घर जब्त कर लिया गया है और ये वो कार्रवाई शुरू हो गई है जिस कार्रवाई की बात हमारे रिपोर्टर्स भी कर रहे हैं। मैं फिर से अभिषेक कर एक बार फिर से रुक करती हूं और अभिषेक ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से उन ठिकानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां जहां पर जानकारी मिल रही है और ये बहुत बड़ी चोट आर्थिक तौर पर भी होगी इन खालिस्तानियों के खिलाफ। बिल्कुल, और देखिए आर्थिक चोट बहुत मायने रखती है। ये जितना भी चल रहा है खालिस्तान का जो पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि उसके नाम पर जो तमाम ताकतवर देशों में उनके सिंपथाइजर बैठे हैं उनसे अच्छा खासा उनसे फंडिंग ली जा रही है और उसी फंडिंग को चैनलाइज किया जा रहा है। हिंदुस्तान में जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, जैसे कि पंजाब में ऐसी बहुत सारी हमने टेरर एक्टिविटी देखी जिनके इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है, NIA को इसके ठोस सबूत मिले हैं कि इनको विदेशों से फंड किया जा रहा है और खालिस्तानियों का मॉडस ऑपरेंडी ये है कि बहुत ही ऊंची रकम इस पे उगाही करते हैं और उसका एक छोटा सा हिस्सा यहां भेजते हैं और बाकी हिस्सा खालिस्तान के नाम पर अपना खुद का नेटवर्क, अपनी खुद की प्रॉपर्टी को इनरिच करने में लगाया जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल नेटवर्क है इसकी कमर तोड़ने का काम हो रहा है और इसीलिए सबसे ज्यादा दिक्कत खालिस्तान के जो सिंपथाइजर हैं उनको अब होने जा रही, चूंकि उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि उनके इस जो सबसे कमजोर नस है उस पर सबसे घातक प्रहार होने वाला है। ABP News आपको रखे आगे।